हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ हुमा। तो आज की मज़ेदार रेसिपी है चिकन नगेट्स। इसे हम बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। हमने ले लिया है 500 ग्राम चिकन का खीमा। सबसे पहले हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में हम ले रहे हैं 1/2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून गार्लिक पाउडर। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप फ्रेश गार्लिक भी क्रश करके ऐड कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करें। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून सोया सॉस। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ज़रूर डाल दें, अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। अब इन सारी चीज़ों को खीमे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर इसी डिश में इस तरह से सेट करके 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। इसकी कोटिंग के लिए हम ले रहे हैं ब्रेड क्रम्ब, 1 अंडा और मैदा। और मैदे में हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून नमक ताकि कोटिंग में फीकापन ना रहे। अगर आप स्पाइसी पसंद करते हैं तो मैदे में 1/2 टीस्पून वाइट पेपर भी ऐड कर सकते हैं। बस हम नमक डाल करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और अंडे में हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून मिल्क और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक घंटे के बाद हमने खीमे को फ्रिज से निकाल लिया है, ये मैरिनेट भी हो गया है। अब हम इसे कटिंग बोर्ड पे इस तरह से फैला के एक लेयर बना लेंगे, फिर इनके पीसेस कट करेंगे। ऐसा करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, आप अपने हाथ से भी छोटे छोटे पीसेस बना सकती हैं। बस पीसेस बहुत मोटे नहीं होने चाहिए। अब इस तरह से एक पीस लेंगे, सबसे पहले हम इसे मैदे में डस्ट करेंगे। फिर इसे अंडे में डिप करेंगे। और अब इसे हम ब्रेड क्रम्ब से कोट कर देंगे। तो इस तरह से हम चारों तरफ ब्रेड क्रम्ब लगा लेंगे। और ये देखें, बिल्कुल इसी तरह से हम सारे पीसेस तैयार कर लेंगे। और ये देखें, सारे पीसेस हमारे तैयार हो गए हैं। अगर आप इसे स्टोर करना चाहती हैं तो इसी तरह से प्लेट को फ्रीज़र में 2 घंटे के लिए रख दें। 2 घंटे में ये पीसेस हार्ड हो जाएंगे, तो आप इसे किसी ज़िपलॉक बैग में डाल दें या किसी एयरटाइट कंटेनर में करके फ्रीज़र में 1 महीने तक स्टोर कर सकती हैं। और जब भी दिल चाहे निकालें, फ्राई करें और मज़े करें। हमने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था, ऑयल गर्म हो चुका है मीडियम हीट पे। अब हम इसमें 1 by 1 पीसेस डालेंगे। हमें ज़्यादा से पीसेस एक साथ नहीं डालने हैं, इस तरह से स्पेस रखते हुए ही फ्राई करना है। अब हमने चूल्हे को लो कर दिया है, लो हीट पे ही फ्राई करना है ताकि ये क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन हो जाएं और अंदर तक सही से पक जाएं। अगर तेज़ आंच पे फ्राई होंगे तो ये ऊपर से जल्दी डार्क हो जाएंगे और क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे। 3 मिनट बाद हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। इसी तरह लो हीट पे फ्राई करते करते 5 to 7 मिनट लगते हैं। और ये देखें, कितने बेहतरीन चिकन नगेट्स हमारे फ्राई हुए हैं, ज़बरदस्त क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन फ्राई हुए हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे और सर्व करेंगे केचप या हॉट सॉस के साथ। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत इजी रेसिपी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलेंगे आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।